आज हम जिस बारे में बात करने जा रहे हैं आपसे वो है शिशु को अनुवांशिक बीमारियों से कैसे बचाया जाए और प्रेगनेंसी के दौरान कौन से जेनेटिक टेस्ट करवाएं। हमारे चैनल प्रेगनेंसी ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कई बीमारियां ऐसी होती है जो शिशु के पैदा होने से पहले ही माँ बाप के द्वारा उन्हें मिल जाती है। ऐसी बीमारियों को अनुवांशिक बीमारियां या जेनेटिक डिसऑर्डर्स कहा जाता है। डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी सैकड़ों खतरनाक बीमारियां हैं जो अगर किसी व्यक्ति को है तो वो उसकी अगली पीढ़ी को संभवतः हो सकती है। दरअसल माँ के गर्भ में जब शिशु का विकास होता है तभी माँ बाप के जीन्स द्वारा शिशु में बीमारियां पहुँच जाती है। कई शिशुओं में अनुवांशिक बीमारियों के लक्षण वयस्क होने के बाद या अधेड़ होने के बाद दिखने लगते हैं और कई बच्चों को जन्म के 1-2 साल बाद ही दिखना शुरू हो जाते हैं। इन बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी है प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला के जेनेटिक टेस्ट करवाए जाएं। दोस्तों, साल 2017 में भारत में लगभग 8 लाख से ज्यादा शिशुओं की मौत हो गई, जबकि 1,52,000 ऐसे शिशु थे जिनकी उम्र 5 से 14 साल के बीच में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग साल 2017 में विश्व में कुल 60 लाख से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई जिनकी उम्र 15 साल से कम थी, और इनमें से 50 लाख ऐसे बच्चे थे जिनकी उम्र 5 साल से भी कम थी। इन आंकड़ों के अनुसार विश्व में हर 5 सेकंड में 15 साल से कम उम्र के एक बच्चे की मौत हो जाती है। इनमें से आधे से अधिक बच्चों की मौत जेनेटिक डिसऑर्डर्स के कारण होती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिरकार जेनेटिक बीमारियां होती क्या है। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसमें 2 तरह के जीन्स पाई जाती हैं। एक जीन माँ से आता है और दूसरा जीन पिता से। ये जीन्स बच्चे का रूप, रंग, व्यवहार, नयन नक्श ये सब कुछ तय करते हैं। इन जीन्स के साथ ही कई बार माँ बाप के शरीर में मौजूद बीमारियां भी शिशु के शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। इन्हीं को कहते हैं अनुवांशिक विकार या जेनेटिक डिसऑर्डर। पिता में होने वाली बीमारियां उसके परिवार से चली आती है और जिसका शिशु पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। इन बीमारियों के कारण पैदा होने से पहले ही शिशु को काफी संघर्ष करना पड़ता है। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगी कि आखिर जेनेटिक टेस्ट क्या होता है। जेनेटिक टेस्ट गर्भवती महिला का किया जाता है। ये एक ऐसा टेस्ट है जिससे पता लगाया जा सकता है कि होने वाले शिशु में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर या अनुवांशिक विकार तो नहीं है। इस टेस्ट के लिए महिला का ब्लड सैंपल लिया जाता है। प्रेगनेंसी के दौरान ये टेस्ट हर महिला को करवाना चाहिए जिससे पता लगेगा कि उसके होने वाले शिशु को कोई अनुवांशिक बीमारी तो नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया जेनेटिक टेस्ट के बारे में। ऐसे ही प्रेगनेंसी से जुड़े बहुत से इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।